नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल बीडीपी इन्वेस्टमेंट में। और आज के स्टूडियो में हम बात करने वाले हैं इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के ऊपर, और ये स्टॉक के ऊपर डिस्कस करने के बहुत सारे रीजन है दोस्तों। आज स्टॉक में आई है 4.66% की तेजी और एक लंबा रेंज बाउंड मूवमेंट में फंसा हुआ है स्टॉक दोस्तों। पिछली बार जब डिस्कस किया था तब हमने इस रेंज के ऊपर डिस्कस किया था। अभी भी ऑलमोस्ट बहुत टाइम यानी कि दोस्तों एक मंथ का ट्रेडिंग सेशन हो चुका है और ये बिल्कुल नैरो रेंज के ऊपर फंसा हुआ है। अब यहाँ पे दोस्तों वैल्यू इन्वेस्टिंग का कैंडिडेट बन चुका है। अगर यहाँ पे ऊपर की तरफ में लेवल तोड़ेगा तो ये स्टॉक दोस्तों रॉकेट बनने से कोई नहीं रोक सकता। क्यों, उसके ऊपर पूरा डिटेल एनालिसिस इस वीडियो के अंदर करने वाले हम। पिछले 5 दिनों में अगर यहाँ पे देखे तो आप देखेंगे 1.33% का अपसाइड मोमेंटम आया है और एक मंथ के अंदर बिल्कुल नैरो मोमेंटम दोस्तों जहां आप था वहीं पे है। 6 मंथ के अंदर 20% का नेगेटिव रिटर्न और 1 साल के अंदर बहुत ही अच्छा 12% का रिटर्न दिया है दोस्तों। पिछले 5 सालों में वेल्थ डिस्ट्रॉय करके दिए इस स्टॉक ने 90.39% का डाउनसाइड दिया है। क्या काफी लोगों को दोस्तों ऊपर के लेवल के ऊपर फंसे हुए उनके मन में एक क्वेश्चन मार्क है, क्या यहाँ पे एक बड़ा एक रेंज बना है तो क्या यहाँ से ब्रेकआउट आने के बाद स्टॉक में अपसाइड मोमेंटम बनेगी, ये वो बरकरार रहेगी कि नहीं, उसके ऊपर दोस्तों हम चर्चा करने वाले हैं। इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड जिसका NSE का कोड है IBULHSGFIN और ये जो कंपनी है NBFC है दोस्तों, और मार्केट कैप है 5395 करोड़ का। सबसे बड़ा प्रॉब्लम इस स्टॉक का क्या है तो वो है उसका डेट 52,403 करोड़, और वहां पे आप देखेंगे डेट टू इक्विटी है 3.02, बहुत ही ज्यादा है। कंपनी अगर बोले तो बुक वैल्यू जो है 368 का है और वहां से दोस्तों काफी नीचे चल रही है, और 4.78 का ये स्टॉक का पी है। ROCE 9.80 है, ROE 6.63 और फेस वैल्यू है 2 का। अगर यहाँ पे आप देखेंगे स्टॉक का डिविडेंड 0% है, बट ये स्टॉक एक जमाने में हाई डिविडेंड देने वाला स्टॉक था। 2021 में देखेंगे तो 9 रुपीज पर शेयर का स्टॉक ने डिविडेंड दिया था। 2020 में अगर आप देखेंगे तो 6 रुपीज का डिविडेंड था। 2019 में 3 बार नहीं 4 बार डिविडेंड दिया था इस स्टॉक ने, 10 रुपए का दिया था, 10 रुपए का 8 और 7 रुपए का डिविडेंड दिया था। 2018 में 10 रुपए का डिविडेंड दोस्तों 3 बार दिया था और 14 रुपए का डिविडेंड दिया था। 2017 में बहुत ही बढ़िया स्टॉक डिविडेंड देता था, फिर भी ये स्टॉक में कैसा क्या हुआ कि स्टॉक में गिरावट आई, क्या यहाँ पे वैल्यू इन्वेस्टिंग के मौके है, वो बड़ा क्वेश्चन मार्क है दोस्तों इन्वेस्टर के दिमाग में। क्योंकि इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस का पी है 4.78 जो सबसे सस्ता स्टॉक है दोस्तों। गवर्नमेंट कंपनी हुडको है उससे भी सस्ता स्टॉक है ये। मीडियम पी अगर बात करें दोस्तों NBFC सेक्टर में तो 14.09 के आसपास है एवरेज 15 कंपनी की। कैनफिन होम का भी 15.98 है, आवास का 24 है, अपाटस का 27 है, PNB का 14 है, LIC हाउसिंग फाइनेंस वो भी गवर्नमेंट कंपनी है तो उसका भी 7.10 है, तो वहां से भी सस्ती है। तो सस्ती क्यों आ रही है, क्योंकि कंपनी के फाइनेंशियल में प्रॉब्लम थे। अगर यहाँ पे आप देखेंगे तो फाइनेंशियल अब सुधरते हुए नजर आ रहे हैं, और इंटरेस्ट और रीपेमेंट की बात की जाए दोस्तों तो कंटिन्यूअस कंपनी इंटरेस्ट और रीपेमेंट कर रही है दोस्तों। यहाँ पे आप देखेंगे कि जो उनका इंटरेस्ट पेमेंट था उसमें कोई चेंज नहीं है दोस्तों, और बिल्कुल उन्होंने एक्चुअल डेट जो इंटरेस्ट था और ड्यू डेट जो था उससे पहले दोस्तों इन्होंने इंटरेस्ट पेमेंट कर लिया है, तो एक अच्छी बात है। कंपनी अब जो भी दोस्तों उनके डेब्ट है उसको अच्छी तरह से मोबिलाइज कर रही है, तो वो बहुत ही अच्छी बात है। क्वार्टरली रिजल्ट के ऊपर नजर डालेंगे तो सेल्स जो है रेवेन्यू कंटिन्यूस डिक्लाइन के ऊपर आ रहे, क्वार्टर टू क्वार्टर देखें ईयर टू ईयर देखें काफी डाउन साइड है। फाइनेंसिंग मार्जिन में थोड़ा सा अपसाइड मोमेंटम हमें क्वार्टर टू क्वार्टर पे देखने को मिला है, ईयर टू ईयर में भी अपसाइड मोमेंटम आया है। बट यहाँ पे आप देखेंगे कि जो अदर इनकम है वो 4 करोड़ का है और डेप्रिसिएशन 22 है, आपको 263 करोड़ का नेट प्रॉफिट आपको दिख रहा है। ईयर टू ईयर में भी आप देखेंगे थोड़ा सा डाउन साइड दिख रहा है, बट ओवरऑल अगर आप देखें तो यहाँ पे प्रॉब्लम है एनपीए। एनपीए 2.86% हुई है और 1.90 नेट एनपीए, तो एक थोड़ी सी सुधार के ऊपर अगर जाएगी तो यहाँ पे स्टॉक में काफी अच्छा मोमेंटम दिखेगा। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट के ऊपर आप नजर डालोगे तो आपको समझ में आएगा, एक जमाने में कंपनी का जो दोस्तों ग्रोथ था बहुत ही बढ़िया हो रहा था, आफ्टर कोरोना कंपनी वापस से नीचे आ गई और अभी 8719 है दोस्तों, और प्री कोविड लेवल तो अचीव करना बहुत दूर की बात है। फाइनेंसिंग प्रॉफिट की अगर बात की जाए तो 19% है कंपनी का प्रॉफिट, अदर इनकम जो है वो 9 करोड़ की है।
डेप्रिसिएशन 86 से ओवरऑल 1130 करोड़ का प्रॉफिट दिखा रही है कंपनी, 23.95 का है। तो अगर यहाँ पे रेवेन्यू में इंक्रीजमेंट होता है तभी दोस्तों फायदा होगा, बाकी दोस्तों स्टॉक में ज्यादा बुलिशनेस नहीं दिख सकती। सबसे बड़ा प्रॉब्लम था शेयर होल्डिंग पैटर्न में, प्रमोटर अपना होल्डिंग जीरो करके चले गए हैं दोस्तों, प्रमोटर ने अपनी होल्डिंग बेच दी है, FII भी अपने होल्डिंग बेच के कम कर रही है दोस्तों। हर क्वार्टर में आप देखेंगे FII नेट सेलर है दोस्तों, यहाँ पे आप देखेंगे नेट सेलर है। DII की अगर बात की जाए तो DII भी दोस्तों कोई ज्यादा अपसाइड मोमेंटम नहीं है, बीच में उन्होंने बाई करना स्टार्ट किया था जून 2022 में और फिर वापस से दोस्तों उसी लेवल पे दोस्तों अभी तक बड़ी बाइंग नहीं आई है। पब्लिक के पास होल्डिंग 63.78% का होल्डिंग है जो पहले 23.76 था। अगर यहाँ पे आप देखेंगे तो ये आप देखेंगे समीर गहलोत जो उनके दोस्तों है उनका 3.56% है, इनसेंस इंफ्रास्ट्रक्चर का 5.93 है, यहाँ पे दोस्तों कैप्री ग्लोबल होल्डिंग जो अपना होल्डिंग दोस्तों 3.61% कर रही है, बाकी कोई जगह पे दोस्तों आपको बड़ा नहीं दिख रहा है। राकेश झुनझुनवाला जी ने भी यहाँ पे हाथ अपना नसीब आजमाया था और उसके बाद वो भी निकल गए यहाँ से, उनको लगा कि यहाँ पे मार्केट स्टॉक चलने वाला नहीं है, उनको भी बड़े प्रॉब्लम दिखे थे। तो यहाँ पे एक क्लियर हो भी जाता है इतने इतने दोस्तों डिस्कशन के बाद, कंपनी में भले ही दोस्तों इंटरेस्ट पेमेंट कर रही है सब कुछ कर रही है बट कुछ तो गलत है। तो हम इस स्टॉक को अब एक ही चीज के लिए देख सकते हैं, वो है ट्रेडिंग के नजरिए से नहीं, ट्रेडिंग के नजरिए से देख सकते, इन्वेस्टमेंट के नजरिए से नहीं देख सकते। अब आपके सामने दो लाइन है, यहाँ पे आपको दो लाइन दिख रही है, ऊपर का लेवल है 117, नीचे का लेवल है 109। यहाँ पे आप देखेंगे मल्टीपल टाइम स्टॉक यहाँ पे टच कर रहा है और वहां से नीचे जाता है फिर वहां से ऊपर आता है। यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे टच किया 117 पे, फिर नीचे आया 109 पे, फिर ऊपर गया 110 पे, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, मल्टीपल टाइम टच किया, फिर ऊपर गया, क्रॉस करने की कोशिश की, वॉल्यूम भी जबरदस्त बनाया स्टॉक ने बट क्रॉस नहीं कर पाया, दूसरे दिन नीचे ही दोस्तों रहा और फिर वहां से 109 का आया और यहाँ पे आप देखेंगे आज वहीं पे 109.60 से ही एक मोमेंटम स्टार्ट किया है, थोड़ा सा वॉल्यूम है, ये बेहतरीन सिग्नल हमारे लिए है। RSI की अगर बात की जाए तो दोस्तों अभी 55 है, ओवर 70 ओवरबोर्ड जोन है, तो अभी ओवरबोर्ड जोन में काफी देरी है, तो हमारा इंपोर्टेंट लेवल क्या है 117, उसके ऊपर टिकता है तो फिर ये लेवल हमें दिखा सकता है, बहुत ही हाई लेवल दिखा सकता है, क्योंकि ये लेवल तोड़ने के बाद हमें नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल जो मिलेगा वो रहेगा बहुत ही ऊपर। ये रहा हमारा नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल जो है 140 के आसपास का लेवल है दोस्तों, तो एक बार 117 के ऊपर क्लोज होगा तो फिर हमें एक अच्छी मोमेंटम देखने को मिल सकती है, बट ये स्टॉक जो है ट्रेडिंग के लिए ही दोस्तों लाजमी है, इन्वेस्टमेंट के लिए अभी भी बहुत ज्यादा दोस्तों अच्छा नहीं है। और जैसे ही ऊपर के लेवल हमें देखने को मिलेंगे यहाँ पे प्रेशर आना स्टार्ट होगा कि काफी रिटेल इन्वेस्टर ऊपर के लेवल के ऊपर फंसे बैठे हुए दोस्तों, तो वो लोग अपना माल बेचना चाहेंगे, डंप करेंगे और फिर वापस से नीचे आ सकता है। तो बहुत ही ज्यादा दोस्तों जब तक क्वार्टरली रिजल्ट और फंडामेंटल्स में कोई ज्यादा बड़ा चेंजेस नहीं आता है, बड़े निवेशक अपने हाथ नहीं लगाते, तब तक यहाँ पे इन्वेस्टमेंट के मौके कम बट ट्रेडिंग की अपॉर्चुनिटी में आपको अच्छा रिस्क रिवॉर्ड यहाँ पे दिख रहा है। तो एक लेवल इस लेवल को तोड़ उसके बाद आप एंड ऑन कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और इस वीडियो के एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाया गया है, सारे व्यू है जो मेरे पर्सनल व्यू है, कोई रेकमेंडेशन नहीं है। अगर आपको इन्वेस्ट करना हो तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लेके ही आप उसमें ट्रेड या इन्वेस्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच दोस्तों। अगर आपको फ्री में डीमैट अकाउंट ओपन करना हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाली हुई है, आप वहां पे क्लिक करके फ्री में डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।